हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक नवीन जीवन शैली और बसने की प्रक्रिया, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए मानचित्र 2, प्रश्न संख्या 13 देखो। इससे पहले वाली क्लास में, सबसे पहले वाली क्लास में मैंने आपको मैप समझाया था, जिसमें पुरा स्थल के बारे में, नए स्थल के बारे में, आधुनिक नगर के बारे में बताया था। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? उसमें मैंने आपको ब्लू कलर के स्क्वायर के बारे में बताया था। वे क्या थे? पुरा स्थल थे। क्या थे? पुरा स्थल थे। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर उन लोगों को क्या मिले थे कि यहाँ पर पहले के जो लोग रहते थे वे खेती करते थे, पशुओं को पालते थे, इसके सबूत मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। ये सबूत कहाँ? सभी उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। इसमें चारों दिशाओं में ये सबूत पाए गए हैं। और इसमें सबसे पहले दिया गया है पश्चिम, क्या दिया गया है? पश्चिमोत्तर क्षेत्र। पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या था? मेहरगढ़। क्या था? मेहरगढ़। आधुनिक कश्मीर, आधुनिक कश्मीर में कौन सा था? बुर्ज होम। क्या था? बुर्ज होम। और पूर्व दिशा में कौन था बताइए? चिरान, महागढ़ा। और पूर्व दिशा में ऐसे तो बहुत से थे जिनमें चिरान और महानदा महत्वपूर्ण थे। दक्षिण में कौन था? पेयमपल्ली। क्या था? पेयमपल्ली पुरा स्थल था। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई? वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थीं। ये सभी वे स्थान हैं जहां पर वे लोग खेती और पशुओं को पालते थे और समूह बनाकर रहते थे। या नहीं, हो भी सकता है कि ये वे स्थान नहीं थे जहाँ पर वे लोग खेती और पशुओं को पालते थे। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। जब उन लोगों ने उस जगह की खुदाई की, उस जगह को खोदा, तो उन लोगों को उस जगह पौधों के अनाज, बीज, जानवरों की हड्डियाँ मिली थी। और इनमें वे दाने, अनाज के दाने मिले थे जिनको जलाया गया था। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। अब वे ये भी सोचते हैं वे पुरातत्वविद लोग कि ये या तो गलती से जल गए थे या किसी ने जानबूझकर जलाया कि ताकि हमारे बारे में किसी और को पता नहीं चले। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। तो जब हमें अलग अलग तरीके के बीज मिले तो इससे हम क्या पता करेंगे कि वे लोग अलग अलग तरीके की फसल उगाते थे। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। जब हम उन जानवरों को देखते हैं तो हमें उनकी हड्डियों के बारे में भी पता होता है। तो उन हड्डियों को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वे किस जानवर को पालते थे। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई? इस पर नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है स्थाई जीवन की ओर। क्या दिया गया है? स्थाई जीवन की ओर, कि वे लोग एक सामान्य जीवन की ओर कैसे यापन किया। पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले। उन लोगों को कुछ जगहों पर
क्या मिला था? झोपड़ियाँ मिली और घरों के निशान मिले, जैसे कि बुर्ज होम, जो अभी प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर है? कश्मीर में। के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। किसके नीचे घर बनाते थे? गड्ढे, तो जमीन के अंदर गड्ढा कर लिया, उसके नीचे वे लोग रहते थे, जिन्हें क्या क्या कहा जाता है? गर्तवास। क्या कहा जाता है? गर्तवास। इनमें उतरने के लिए जब आप गड्ढे के नीचे रहोगे तो क्या है, आप डायरेक्ट तो कूद नहीं जाओगे, तो उसके लिए वे लोग क्या करते थे? सीढ़ियाँ बनाते थे। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। जब आप जमीन के नीचे रहोगे तो क्या होगा, इससे आप ठंडी से भी बचे रहोगे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। वे लोग जब उन लोगों ने उस जगह का अध्ययन किया तो उन लोगों ने क्या देखा कि झोपड़ियों के अंदर जो उन लोगों ने झोपड़ियाँ बनाई उसके अंदर भी और उस झोपड़ियों के बाहर दोनों जगह पर क्या मिले? आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो वे लोग सोच पुरातत्वविद लोग सोच रहे हैं कि ये लोग मौसम के अनुसार ईंधन का प्रयोग करते थे। यदि गर्मी है तो ईंधन को कहाँ प्रयोग करते थे? बाहर। किसके लिए? खाना पकाने के लिए। और गर्मी है सॉरी सर्दी है तो घर के अंदर। किसके लिए? खाना बनाने के लिए। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई? उन लोगों को बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले। ये तो मैंने आपको बताया था कि जब उन लोगों ने अध्ययन किया तो उन्हें क्या मिला था? सबसे पहले पत्थर के औजार, हड्डियाँ मिली थी। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, मतलब जो प्राचीन काल में हथियार थे उनसे अलग हथियार मिले, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। जब प्राचीन युग से हटकर उनको कुछ नया मिला तो उन्होंने उस युग को क्या नाम दे दिया? नवपाषाण युग। क्योंकि पुरापाषाण युग में वे लोग अलग तरीके के औजार बनाते थे और नवपाषाण युग में उन्होंने अलग तरीके के औजार बनाए। इनमें भी औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। हथियार तो बनाए थे उन्होंने, उन हथियारों को कुछ हथियार ऐसे थे जिनको भी अधिक नुकीला करना चाहते थे, इसके लिए उन्होंने क्या किया उस पर? पॉलिश। क्या किया? पॉलिश कराई। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। उन्होंने हथियार के साथ क्या बनाया? ओखली और मूसल। इसका प्रयोग वे क्या करते थे? जो फसल उगाते थे, जो अनाज उगाते थे उसका क्या करते थे? पीसने के लिए। कुछ पौधों की पत्तियों का वो प्रयोग भोजन के रूप में करते थे, उन पत्तियों को भी पीसने के लिए वे किसका प्रयोग करते थे? ओखली और मूसल, जो आज के प्रेजेंट टाइम में भी प्रयोग की जाती हैं। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि इसका यूज हम अभी भी करते हैं, जैसे घरों में अदरक को कूटने के लिए, कुछ चीज़ें कुछ मसाले उनको कूटने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसे ही उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। इस तरीके से जो पुराने औजार थे वे अभी भी कुछ प्रचलित हैं जिनका प्रयोग हम अभी भी करते हैं। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, और आपको पता है कि ये लोग पत्थर के हथियार औजार बनाने के साथ साथ हड्डियों से औजार बनाने में भी निपुण थे। इतनी बात सभी लोगों को समझ में आई? अब हम पेज टर्न करते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी मिले। उन लोगों को नवपाषाण युग में हथियारों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन भी मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था, मतलब कभी कभी मिट्टी के बर्तनों पर डिजाइन को भी बनाया जाता था।
बर्तनों का प्रयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। जब उन लोगों ने बर्तन बनाना शुरू कर दिया तो वे क्या उसमें अनाज वगैरह एकत्रित करके रखते थे। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। जैसे जैसे, अब मैं बार बार बता रही हूँ आपको, जैसे जैसे उनकी वृद्धि का विकास होता गया तो वे उन चीज़ों का प्रयोग बेहतर तरीके से करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। अब वे लोग अपने भोजन में क्या बनाने लगे थे, चावल, गेहूँ और दलहन जैसे अनाजों का प्रयोग भी करने लगे थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। अब वे लोग क्या करते थे, कपड़े को सिलकर और बुनकर पहनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कपास के पौधे उगाना शुरू कर रहे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ये तो सोचने की बात है, क्या ये सभी परिवर्तन एक साथ तो नहीं हुए होंगे, धीरे धीरे हुए होंगे। ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। एक तरफ मतलब दो हिस्से में बटे हुए थे, तो कहीं जगह पर स्त्री पुरुष क्या करने लगे, शिकार करने लगे, उनको एकत्रित करने का तरीका सीखने लगे, तो दूसरी ओर क्या था, वे लोग खेती भी करने लगे और पशुओं को भी पालने का तरीका सीखने लगे। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब लोग मौसम को पहचानने लगे थे, वहाँ की जलवायु के बारे में जानने लगे थे, तो वे लोग अपने वहाँ के मौसम के अनुसार अपने क्षेत्र को बदलते और वहाँ से अपनी जीविका को कमाने का दूसरा तरीका भी ढूंढते। इतनी बार सभी लोगों को समझ में आ गई, तो आज की क्लास में हमसे इतना ही पढ़ेंगे, कल अब फिर से मिलेंगे। बाय।